नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 28 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। एयरपोर्ट अथॉरिटी में बंपर भर्तियां। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पदों पर बंपर भर्ती के तहत 368 पदों के लिए रिक्तियां निकाली है। आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aero पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2021 है। मैनेजर टेक्निकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक एवं 5 साल का अनुभव। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बीएससी फिजिक्स और के साथ या किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग अनिवार्य है। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ऑपरेशंस के लिए साइंस में ग्रेजुएशन और 2 साल एमबीए या फिर इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में बीई, बीटेक की डिग्री अनिवार्य होगी। सारण के गौतम स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गौतम ऋषि का आश्रम सारण जिले के रिवीलगंज नगर क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान की प्राचीन एवं धार्मिक मान्यता यह है कि जब गौतम ऋषि ने क्रोध में अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया था, तब कई 100 वर्षों बाद भगवान राम ने उनका उद्धार किया था। गौतम स्थान रिवीलगंज में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा और सरयू नदी के संगम स्थल पर हर साल लगने वाला गोदना सेमरिया नहान मेला धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। गौतम ऋषि मंदिर प्रांगण में भगवान श्रीराम का पद चिन्ह आज भी मौजूद है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेला में आए लोगों का दर्शन का केंद्र बिंदु होता है। यात्रियों की मांग पर रेलवे ने बढ़ाए स्पेशल ट्रेनों के फेरे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों के फेरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। दरभंगा अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस और 03226 और 03225 और 26 जयनगर राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन अब 31 दिसंबर तक होने वाला है। भारतीय रेलवे ने बिहार के समस्तीपुर मंडल के 13 ट्रेनों के परिचालन की तारीख को विस्तार देते हुए इसे अब 31 दिसंबर तक करने का निर्णय लिया है। पहले इन सभी ट्रेनों को 30 नवंबर तक परिचालित करने का निर्णय लिया गया था। बिहार में कोरोना के मिले लगभग 700 मामले। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 698 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की संख्या बढ़कर 233,840 पर पहुंच गई है। वहीं सर्वाधिक प्रभावित जिलों की माने तो राजधानी पटना में 180 मामले सामने आए हैं, वहीं औरंगाबाद जिले में 50 मामले सामने आए हैं। 1 दिसंबर से होगी मगध यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर की परीक्षा। मगध यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड की परीक्षा, जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम शामिल है, वो 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इस परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी अधिसूचना भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दी है। हालांकि सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना नियमावली का पालन करते हुए परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है, जो कि 10 दिसंबर तक चलेगी। 11 दिसंबर को प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। वहीं इस परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थियों को ए, बी, सी, डी 4 ग्रुप में बांटा गया है। 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 से 4 बजे तक होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में विमेन्स स्टडी को शामिल करने की मांग हुई तेज। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में विमेन्स स्टडी को शामिल करने की मांग तेज हो गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जारी सहायक प्राध्यापक की बहाली में विमेन्स स्टडी को शामिल करने की मांग कर रहे लोगों ने साफ कहा है कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में विमेन्स स्टडी को शामिल नहीं किया जाता है तो सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे, साथ ही धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आपको बता दें, उक्त बातें बिहार महिला अध्ययन संघ, बिहार महिला समाज तथा पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व शिक्षकों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। बालू के अवैध खनन करने वालों की अब खैर नहीं। बिहार में अवैध बालू खनन पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत पटना डीएम कुमार रवि ने बालू के अवैध धंधे में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी मुहिम तेज कर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मरांची थाना अंतर्गत एसपी सिंगला कंपनी के कार्यालय के समीप ओवरब्रिज के पास ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाते हुए हिरासत में ले लिया गया है। 7 निश्चय योजना से जुड़ी गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत की गई गड़बड़ी की समीक्षा अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं, जिसके तहत उन्होंने अलर्ट मोड में आते ही बीते दिन विधानसभा में यह ऐलान कर दिया है कि 7 निश्चय की योजनाओं में अगर गड़बड़ी हुई है तो सरकार उसे गंभीरता से ले। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो सभी विधायकों से 7 निश्चय की योजनाओं में चूक के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 निश्चय की योजना से जुड़ी किसी भी चूक के बारे में विधायक उनको जानकारी दे सकते हैं। सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है।
राजेंद्र बाबू की जयंती पर डिजिटल लाइब्रेरी की होगी शुरुआत। 3 दिसंबर को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर एक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत भी की जाएगी। इस डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उनकी जीवनी को प्रदर्शित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र बाबू की तीसरी पीढ़ी से आने वाले मनीष सिन्हा कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मनीष बिहार पॉजिटिव नामक एक गैर सरकारी संस्थान के सचिव भी है। लॉकडाउन के दौरान 4 युवाओं ने मिलकर उगाया शांतिवन। भगवान बुद्ध की धरती गया में कोरोना के माहौल में जहां लोग अपने घरों में बंद थे, वहीं बोधगया सड़क के किनारे स्थित केंदुआ गांव के 4 युवाओं ने मिलकर इस दौरान पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। इन युवाओं की मेहनत का रंग फल्गु नदी के तट पर देखा जा सकता है, जहां सैकड़ों हरे भरे पौधे नदी तट की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। लोग इस पेड़ों की हरियाली पर मोहित होकर खींचे चले आ रहे हैं। युवाओं ने अपने इस पहल का नाम बुद्ध शांतिवन रखा। अब राजधानी पटना का सफर होगा और ज्यादा आसान। गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर करीब 3,000 करोड़ रुपए से 4.5 किलोमीटर लंबा 4-लेन केबल रोड ब्रिज बनाया जाएगा। इन सभी के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। मंजूर की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पटना से आरा तक करीब 31 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड 6-लेन सड़क, आरा से सासाराम तक करीब 95 किलोमीटर लंबी 4-लेन सड़क, जेपी सेतु के समानांतर 4-लेन केबल रोड ब्रिज शामिल है। बिहार पुलिस विभाग में 1594 की हुई पोस्टिंग। बिहार पुलिस में तैनात 1594 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को राज्य के अलग अलग जिलों में भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से ट्रेनी दरोगा की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिन्हें विभिन्न जिलों में आवंटित किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी नए आदेश के मुताबिक राजगीर पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे 1594 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक को राज्य के अलग अलग जिलों में भेजा गया है, जिनका नाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को राज्यसभा भेजना चाहती है भाजपा। भाजपा ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने आगामी राज्यसभा उपचुनाव 2020 के लिए सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा उपचुनाव 14 दिसंबर को होना है। यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद खाली हुई थी। आपको बता दें, सुशील मोदी बिहार के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं और नीतीश कुमार की अगुवाई में 2005 से 2020 तक एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। बिहार, झारखंड और बंगाल के यात्रियों के लिए 1 दिसंबर से शुरू होगी 6 स्पेशल ट्रेनें। बिहार, झारखंड और बंगाल के यात्रियों को अब राहत मिलने वाली है। पूर्व रेलवे 1 दिसंबर से 6 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 2-2 ट्रेन सियालदह एवं हावड़ा से खुलेगी, जबकि 1 ट्रेन मालदा तथा 1 ट्रेन भागलपुर रांची स्पेशल ट्रेन खुलने जा रही है। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी ट्रेनों में किराए के साथ स्पेशल चार्ज यात्रियों से लिया जाएगा। हालांकि इन ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। ललन पासवान ने विधानसभा में खड़े होकर मांगी सुरक्षा। लालू यादव के कथित ऑडियो के आने के बाद राजद की मुश्किलें तो बढ़ी गई हैं, साथ ही ललन पासवान भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि अब ललन पासवान को अपनी जान को लेकर चिंता सताने लगी है और यही कारण है कि उन्होंने बीते दिन विधानसभा के आखिरी दिन विधानसभा में खड़े होकर सुरक्षा की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इस वाक्य के बाद मेरे और मेरे परिवार की जान पर बात बनाई है। जिस तरह से मैंने लालू यादव का ऑडियो बाहर किया है, उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। लालू यादव की जमानत याचिका टली 11 दिसंबर तक। राजद की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां बीते दिन लालू प्रसाद यादव यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उन्हें जमानत मिल जाएगी, वहीं उन्हें बीते दिन निराशा हाथ लगी है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को मिलने वाली जमानत याचिका की सुनवाई टाल दी है, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू प्रसाद ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी के बारे में भी बताया था। याचिका में बताया गया था कि वो करीब 15 बीमारी से ग्रसित है। उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में हो रहा है। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, इसलिए उनको जमानत दे दी जाए। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने किया खूब हंगामा।
विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने किया खूब हंगामा। बीते दिन विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, वहीं आखिरी दिन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों का पुरजोर विरोध देखने को मिला, जिसके तहत राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने हंगामा करते हुए सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग की। सदन के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर राजद, कांग्रेस, भाकपा माले के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव के आरोपों को सुनने के बाद बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना आपा काबू नहीं रख पाए, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बताया फर्जी। विधानसभा की कार्रवाई के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, वहीं इसी दौरान तेजस्वी भी सरकार पर निशाना साधते नजर आए, जिसके तहत तेजस्वी ने सबसे पहले नीतीश कुमार पर निशाना साधा, जिसके बाद तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो फिर क्यों नहीं बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सरकार को फर्जी तक करार दे दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब डबल इंजन की सरकार है तो बिहार में जो स्थिति है उसमें क्यों नहीं बदलाव हो रहा है, यह चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी को दिलाई पुत्र धर्म की याद। लालू यादव की तरफ से किए गए फोन कॉल मामले में राजद की चुप्पी कई सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया से भी तेजस्वी यादव इन दिनों दूर दूर ही नजर आ रहे हैं। अपने पिता के अपमान पर तेजस्वी ने अब तक कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं दिया है, जिसके बाद तेजस्वी की इस चुप्पी पर साथ ही तेजस्वी को पुत्र धर्म की याद दिलाते हुए जदयू नेता नीरज कुमार ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिस बेटे को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बाप बुढ़ापे में भी सत्कर्म से बाज नहीं आया, वो बेटा इस मुद्दे पर मौन हो गया है। आखिर इस खामोशी का क्या राज है? भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है, क्योंकि आज के दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। 1996 में कैप्टन इंद्राणी सिंह ने एयरबेस A-300 विमान को कमांड करने वाली पहली महिला बनी थी। 1997 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 1945 में भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार अमर गोस्वामी का जन्म हुआ था। 1981 में हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा कथा लेखक शंकर शेष ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। अभिनेत्री कंगना की हुई जीत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी की तरफ से की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि बीएमसी की तरफ से अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण थी और अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। हाईकोर्ट ने विध्वंस के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को बाहुबल का उपयोग करने को मंजूरी नहीं देती है। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। सिडनी में हुए वनडे में भारत को मिली हार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में बीते दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कप्तान विराट कोहली ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि टीम के शीर्ष तीन बल्लेबाजों को बड़ी पारी खेलने की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 374 रन बनाए, जिसके जवाब में टीम इंडिया 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 308 रन पर ही सिमट गई और उसे 66 रन से हार का सामना करना पड़ा। विराट ने मैच के बाद कहा कि हमारे पास तैयारी के लिए काफी समय था और मुझे नहीं लगता कि इस हार का हम कोई बहाना दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं मैसेज। व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज के समय में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों काम के लिए किया जा रहा है। कंपनी यूजर की सुविधा के लिए लगातार नए नए फीचर्स भी रोल करती रही है। व्हाट्सएप के शेड्यूल मैसेज फीचर के तहत अगर आप किसी को 12 बजे बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर किसी मीटिंग से संबंधित मैसेज करना चाहते हैं तो यह ट्रिक आपके बड़े काम की साबित हो सकती है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से कुछ थर्ड पार्टी एप्स को डाउनलोड करना होगा। उदाहरण के लिए आप SKED IT ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में संजय लीला भंसाली, एकता कपूर समेत 4 हस्तियों की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को। सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए महीनों बीत गए हैं, हालांकि अभी भी कुछ लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें संजय लीला भंसाली, एकता कपूर समेत 4 हस्तियों के नाम शामिल। इसके बाद इन हस्तियों की कोर्ट में हाजिरी लगाई गई थी, जिसके तहत संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार और साजिद नाडियावाल के अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए थे। भंसाली की तरफ से अधिवक्ता सरोज कुमार और शेष तीनों फिल्मकारों की तरफ से प्रियरंजन उर्फ अन्नू कोर्ट में उपस्थित हुए। भंसाली की तरफ से पहली बार हालांकि कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ था, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होने वाली है।
जेपी नड्डा ने 6 नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा ने अपने संगठन के नए पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी किया है। इसमें रविंद्र राजू को प्रदेश महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के लिए रत्नाकर को प्रदेश सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने भवानी सिंह को प्रदेश सह संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश, कर्मवीर को प्रदेश सह संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश, अभय कुमार गिरी को प्रदेश सह संगठन महामंत्री मणिपुर एवं नागालैंड और प्रद्युम्न को संगठन केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में प्रतिनियुक्त किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है वंदना राज, अतिकुर रहमान, प्रवीण कुमार, शीतल कुमारी, श्याम प्रसाद, अखिल कुमार, अंकुर कुमार, सुजीत कुमार, साहिक कुमार, जय यादव, शिवम चौबे। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में सुशासन व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।